नमस्कार, विपणी समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आईएसआईएस को खत्म करने का संकल्प लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह अपने देश को कट्टरपंथियों का अभयारण्य नहीं बनने देंगे। उन्होंने इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए मुस्लिम जगत के मित्रों समेत अन्य सहयोगियों के साथ काम करने का संकल्प जताया। कांग्रेस के अपने पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सेवा करना और उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है। ट्रंप ने कहा कि वादे के अनुसार मैंने रक्षा विभाग को आईएसआईएस को खत्म करने की योजना बनाने का निर्देश दिया है। बर्बर और अधर्मी लोगों का ऐसा नेटवर्क जिसने मुस्लिमों, ईसाई और सभी धर्मों और मतों के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि इस दुश्मन को खत्म करने के लिए हम मुस्लिम जगत के अपने दोस्तों समेत अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। अपनी सख्त आप्रवास नीति का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से अमेरिका को बचाने के लिए भी हम कड़े कदम उठा रहे हैं। न्याय विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 9/11 के बाद से आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों की बड़ी संख्या में वैसे लोग शामिल हैं जो अमेरिका के बाहर से आए थे। ट्रंप ने कहा कि हम सद्भाव और स्थिरता चाहते हैं, युद्ध या संघर्ष नहीं। कंसास गोलीबारी में एक भारतीय इंजीनियर की मौत घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका घृणा एवं बुराई के सभी रूपों की एकजुट होकर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूं कि राष्ट्रपति को इस शानदार मंच का प्रयोग इस घृणास्पद करतूत की साफ शब्दों में निंदा करने के लिए करना चाहिए और यह मजबूत संदेश भेजना चाहिए कि किसी भी अमेरिकी को अपने समुदाय में डर कर जीने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने एक अहम मुद्दे पर बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि वे आवर्जन से जुड़े विधेयक में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। इस बदलाव से अमेरिका में अवैध तौर पर रह रहे कुछ लोगों को कानूनी दर्जा मिल जाएगा और बचपन में अवैध तौर पर अमेरिका लाए गए लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता खुल जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ, बजट में घोषणा। प्रधानमंत्री के खिलाफ बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मफ्तान की अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा का परिषद में हंगामा। यूपी के महाराजगंज में बोले नरेंद्र मोदी, लूटने वालों को चुन चुन कर साफ कर रही है जनता। गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 86 रूपए महंगा, अब दिल्ली में 737 रूपए में मिलेगा। पिस्टल किंग जीतू राय ने ISSF विश्व कप में 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।